एक गंभीर विषय है जिससे मामला कांग्रेस पार्टी का भी जुड़ा हुआ है। आजकल एक कंपनी काफी चर्चा में है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका वो कंपनी है इसको दे दीजिए, जिसके बारे में यह आरोप है कि उसने अमेरिका के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की, उसने कीनिया के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की और कल जो चैनल 4 इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें सबसे गंभीर बात यह है कि दे यूज एंड अब्यूज एवरी सिस्टम अवेलेबल टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। और मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा, ये मैं ऑनलाइन हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ रहा हूं। द कंपनी एट द सेंटर ऑफ द फेसबुक डेटा ब्रीच बोस्टेड ऑफ यूजिंग हनी ट्रैप्स, फेक न्यूज कैंपेन्स एंड ऑपरेशन विद फॉर्मर स्पाइस टू स्विंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। एग्जीक्यूटिव फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका स्पोक टू अंडरकवर रिपोर्टर्स फ्रॉम द चैनल अबाउट द मेथड्स used by the firm to help clients, which including hiring sex workers to seduce rival candidates and entrapping them in fake bribery stings. Par ek baat main usme aur zara batana chahunga ki the executives who served as US President Donald Trump's election consultants were also secretly filmed talking about using bribes, former spies from the UK, Israel and fake IDs. They boasted CA, that means Cambridge Analytica, and its parent company Strategic Communication Laboratories had worked in more than 200 elections around the world, including India, Nigeria, Kenya, the Czech Republic and Argentina. Unke khilaf karwai ho rahi hai England mein, unke khilaf karwai ho rahi hai America mein bhi sawal uth rahe hain. ये प्रेस तो मैं पार्टी की ओर से कर रहा हूं, लेकिन मैं देश का कानून मंत्री भी हूं और देश का आईटी मंत्री भी हूं। तो एक बात दूसरे विषय पर आने के पहले मैं कहना चाहता हूं, हम प्रेस की आजादी का पूरा समर्थन करते हैं, हम बोलने की आजादी का भी पूरा समर्थन करते हैं, हम सोशल मीडिया पर खुले विचारों के संप्रेषण का भी समर्थन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अवांछनीय तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास को न तो हम उसको टॉलरेट करेंगे और न ही उसे परमिट करेंगे। एज द आईटी एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट मी मेक इट वेरी बट एनी अटेम्प्ट कोवर्ट और ओवर्ट by the social media including Facebook of trying to influence India's electoral process through undesirable means will neither be appreciated nor be tolerated. Let Facebook note it very, very clearly. And if need be, stringent action shall be undertaken. ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। अब मैं आज के संदर्भ में आता हूं, ये बताना बहुत जरूरी था कि ये कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या कर रही है। लेकिन हमें एक बात जो सबसे आश्चर्य लगता है, ऐसी संस्थाओं से कांग्रेस को क्यों प्रेम हो जाता है, ये आज का सवाल है। अब कांग्रेस के बारे में बहुत चर्चा मैं पार्टी के मंच से कर चुका हूं, यहां से भी कर चुका हूं, चाहे वो जमीन हो या कुछ और हो, कई बात हम कर चुके, स्पेक्ट्रम हो, कोयला हो। मैंने एक बात बहुत दिन पहले कही थी कि 10 साल के यूपीए के सरकार में इतने लैंडमाइन बिछे हुए हैं, कहीं ना कहीं फूटते रहते हैं। जब आप मुझसे पूछते हैं तो मालूम होता है कि उनके समय का मामला था। लेकिन
आज मैं आपके सामने कांग्रेस के कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रेम के कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूं। मैं क्षमा करिएगा, मैं अखबारों के नाम लूंगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स, दिस इज द ब्रह्मशास्त्र ब्रह्मास्त्र राहुल गांधी विल हर्ल एट पीएम मोदी। द कांग्रेस फाउंड द ब्रह्मास्त्र फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। Perhaps it has, if one goes by reports that Congress is in touch with big data firm Cambridge Analytica that helped US President Donald Trump win last year. According to media reports, Cambridge Analytica CEO Alexander Nix has met several opposition leaders to design electoral strategy for UPA in the next Lok Sabha elections. मैं सिर्फ एक ही नहीं दे रहा हूं, जरा अभी 5 मिनट हटो। हम आपके सामने बालाजी पूरा भेजेंगे, ये आपके सामने हम देना चाह रहे हैं कि ये सारे हम आप, ये तो इकोनॉमिक टाइम्स मैंने पढ़ दिया, इंडिया टाइम्स का, नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम रिपोर्ट दैट अ टीम फ्रॉम द कैम्ब्रिज एनालिटिका विल नाउ डिजाइन इलेक्टोरल स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज यूपीए फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। Company CEO Alexander Nix will be visiting India on July 19 to take his final decision on the possibility. मैं तीसरा पढ़ रहा हूं, संडे गार्जियन अलाइफ, वो भी वही कह रहा है। चौथा पढ़ रहा हूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड वेब टीम, राहुल गांधी इज कांग्रेस कैंपेन टेकिंग ए लीफ आउट ऑफ ट्रंप्स यूएस प्रेसिडेंट बिड, उसी कंपनी का नाम है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपको दी जाएगी। राहुल गांधी रिसर्जेंट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो गोड हैंड इन हैंड विथ अनदर न्यूज रिपोर्ट क्लेमिंग दैट कांग्रेस हैड रोप्ड इन बिग डेटा एनालिटिक फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका फॉर ए मोर टारगेटेड डिजिटल कैंपेन टू वू वोटर्स। तो मैं चार अखबार के बारे में आपको बता चुका, फिर ये गार्जियन की भी रिपोर्ट है, ये 6 रिपोर्ट आपको हम देने वाले हैं। मेरा आज के दिन कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल है, इस सवाल का जवाब दे कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए डेटा के मैनिपुलेशन ऑफ थेफ्ट पर निर्भर करेगी? विल कांग्रेस पार्टी नाउ डिपेंड अपॉन डेटा मैनिपुलेशन एंड थेफ्ट टू वो वोटर्स? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि मैंने 6-6 रिपोर्ट पढ़ दिया, अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका से बातचीत नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी का दूसरा सवाल हमारा ये है कि जिस तरह के रास्तों को वो अपनाते हैं, सेक्स स्लीव्स एंड फेक न्यूज, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के वोटरों को प्रभावित करने के लिए इनके माध्यम से वही रास्ते अपनाने जा रही है? क्योंकि उन्होंने बकायदे उसको ओन अप किया है कि हम ये करते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल एक तीसरा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में क्या प्रेजेंस है? लेट मिस्टर राहुल गांधी एक्सप्लेन, ऑफ लेट ही इज क्वाइट एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका इन द सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ राहुल गांधी? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी राहुल गांधी का ट्विटर नंबर बहुत बूस्ट हुआ था और चर्चा आई थी कि रशियन एंड कजाक बॉट्स की इसमें भूमिका रही है, ये मीडिया में काफी आया था, आपने देखा था। तो क्या फेक लोकप्रियता बनाने के लिए सोशल मीडिया में इस तरह के माध्यमों का उपयोग किया जाएगा? हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, जनता उनकी बात सुनती है सुने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हम मंत्रियों को एक निर्देश देते हैं, रिमेन डिजिटली कनेक्टेड एंड ऑल्सो रिमेन फिजिकली कनेक्टेड। द डिजिटल सप्लीमेंट्स द फिजिकल एंड द फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स द डिजिटल। तो जब तक जमीन पर मजबूत नहीं रहेंगे
और सिर्फ डिजिटल से मजबूती नहीं आती है। तो ये सवाल अभी उठाना जरूरी है कि अगर जमीन पर लोकप्रियता नहीं आ रही है तो इस तरह के हथकंडे अपनाकर क्या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक और उसकी यह कंपनी जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट था, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर डेटा को स्टील करने का आरोप लगा है। आपको पता है 20 करोड़ हिंदुस्तानी फेसबुक पर हैं, और जो मैंने पहले सावधान किया था वो मैं फिर सावधान कर रहा हूं। मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, यू बेटर नोट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी वेलकम द फेसबुक प्रोफाइल इन इंडिया द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट इफ एनी डेटा थेफ्ट ऑफ इंडियंस इज डन टू द कोल्यूजन ऑफ फेसबुक सिस्टम, दिस शैल नॉट बी टॉलरेटेड। वी हैव गॉट इंस्ट्रिंजेंट पावर इन द आईटी एक्ट, वी शैल यूज इट, इंक्लूडिंग समनिंग यू इन इंडिया। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से दूसरा है। अगर श्रीमान, क्या नाम है मिस्टर निक्स का जी, अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम ऑफ जेंटलमैन इज देयर, आई वुड लाइक टू कोट इट, एलेक्जेंडर निक्स जो हैं, जो सीईओ ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका के हैं, कितना कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों का डेटा उनसे शेयर किया? बिकॉज नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट ऑल्सो इन अमेरिका दे आर सीरियस एलिगेशन ऑफ डेटा थेफ्ट अगेंस्ट दिस कंपनी। दिस कंपनी इज बोस्टिंग ऑफ हैविंग इन्फ्लुएंस द इलेक्शन इन नाइजीरिया, इन कीनिया, इन ब्राजील, ऑल्सो इन इंडिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इनसे कोई डेटा का सौदा किया है? Has the Congress Party done some data trade with this body? ये हम जानना चाहेंगे। ये सवाल इसलिए उठाने जरूरी है कि अभी कर्नाटका का चुनाव है, अभी गुजरात के चुनाव में कई उन्माद को पैदा करने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस पार्टी ये भी बताए कि क्या पिछला जो गुजरात हिमाचल का चुनाव था और अभी जो नॉर्थ ईस्ट का चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का सेवाएं ली हैं कि नहीं और कर्नाटक में ले रहे हैं कि नहीं। ये मित्रों बड़े गंभीर सवाल हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेती है, इसलिए आज देश के सामने बताना जरूरी था। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये 3 दिन से विषय चल रहा है कि वेदर दे आर लियोजा विथ कैम्ब्रिज एनालिटिका कॉन्टिन्यूज और नॉट। और मैंने अपने से कुछ नहीं कहा है, ये सारे जो प्रमाण हैं ये आपको हम देने वाले हैं। ये सभी बड़े बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान के बड़े अखबार हैं, तो एंड दे आर क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स। कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल सिर्फ एक रोग डेटा एनालिसिस की कंपनी का नहीं है, ये सवाल है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का, ये सवाल है एक ईमानदार चुनाव का। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस पार्टी लियोजा विथ ए रोग डेटा एनालिसिस कंपनी। द इश्यू इंपिंजेस अपॉन फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेटिक क्वालिटी एंड प्रोप्राइटी। और यह सवाल इसलिए बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक चीफ डेटा एनालिटिक अपने को अपॉइंट किया है। वो कौन है, क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया में यह भी आया है कि वो अमेरिका में जहां काम करते थे उस कंपनी ने उनके खिलाफ केस किया है ऑन द इश्यू ऑफ डेटा इम्प्रोप्राइटी। वो भी मीडिया में है, आपको हम दे देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है। बट द चीफ डेटा एनालिटिक ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो सफरिंग एलिगेशन ऑफ ग्रॉस इम्प्रोप्राइटी ऑन द इश्यू ऑफ डेटा विथ हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर इन अमेरिका। तो एक हमारे हिंदी में एक शब्द है, खग ही जाने खग की भाषा। तो क्या ऐसे ही लोगों को रखा जा रहा है क्या? हमें इससे जरा भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी लोकप्रियता जमीन पर है और हम अच्छा करेंगे, पूरा विश्वास है।
लेकिन यह सवाल देश हित और देश की सुरक्षा का है. द इश्यू कंसर्न्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड द बीजेपी विल टेक इट वेरी सीरियसली इफ बाय कोल्यूसिव मेथड्स द डेटा एसेट्स ऑफ इंडियंस आर नॉट टू बी पिल्फर्ड. इसलिए बताना जरूरी था. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. कौन? हाँ आप शुरू करोगे? कौन? किस? यस यस गो अहेड. बीजेपी इज वन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज टू हैव सक्सेसफुली